हेलो एवरीवन, आज हम फ्लूइडाइज्ड बायोरिएक्टर के बारे में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, कंटिन्यूस स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और पैक्ड बेड बायोरिएक्टर को डिस्कस कर लिया है। फ्लूइडाइज्ड बेड में देखिए क्या होता है। ये इंटरमीडिएट होता है स्टर्ड टैंक और पैक्ड बेड बायोरिएक्टर के। ये पहला पॉइंट आप इसमें लिख लीजिएगा, ये मिस हो गया था, मैंने बाद में ऐड किया है। इसको हम मूविंग बेड रिएक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें पैक क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल। ये पूरी तरह से इसमें ठूंसा नहीं होता है कि पूरा एकदम पैक कर दिया बुरी तरीके से। इसमें पार्टिकल्स छोटे साइज के होते हैं और बीच में जगह भी उनके काफ़ी होती है। मतलब स्टर्ड टैंक और पैक्ड के बीच का नहीं लग रहा आपको, ये बीच का फ्लूइडाइज्ड बेड टाइप का है, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पंप प्रेजेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन पंप क्या करता है, यहाँ से एयर की सप्लाई करता है, रिएक्टेंट की सप्लाई करता है, जो सब में पूरा मिक्स हो जाता है बीच बीच में, ठीक है। इससे क्या होता है, क्लॉगिंग या जो ब्लॉकिंग की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है। इसमें देखिए मास और ट्रांसफ़र, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र, डिफ्यूजन सब इजीली हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम की कैटालिसिस भी इसमें अच्छी होगी। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के प्रोडक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। ये हमारा बैच मोड का है, ये बैच मोड लिखा है, बैच मोड में बंद है। और ये कंटिन्यूस मोड का बना है, जिसमें रिएक्टेंट कंटिन्यूसली आ रहा है, प्रोडक्ट आउट किया जा रहा है। रिएक्टेंट को ऐड किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पंप से, तो ये पूरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अच्छे से, बहुत मतलब प्रेशर के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है इसमें, ठीक। अब इसकी एप्लीकेशन देखिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और लैकेज के प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आपका ये फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर होता है। अब अगर फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर आएगा तो आप सबसे पहले इसमें बायोरिएक्टर के बारे में लिखेंगे और उसके बाद आप बायोरिएक्टर के टाइप्स बताएंगे कि दो तरीके से चलता है, दो मोड में चलता है, एक बैच मोड होता है और एक कंटिन्यूस मोड होता है, ठीक है। तो फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर दोनों ही मोड में ऑपरेट कर सकता है। अगर बैच मोड होगा तो ये बंद रहेगा, और अगर कंटिन्यूस मोड होगा तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंटिन्यूसली इन और आउट होते रहेंगे। कहाँ पे यूज़ होता है, किस चीज़ के प्रोडक्शन में, ये आप बस देख लीजिए, और क्या चीज़ें उसके अंदर भरी होती हैं ये, बाकी आपका जो सब कुछ कॉमन ही रहेगा। आप एप्लीकेशन भी अगर एक याद कर लिए उसको सभी में लिख सकते हैं, जो भी आ जाए। जैसे सबसे पहले वाले में मैंने एप्लीकेशन ज़्यादा लिखवाई है, आप वहाँ वाली एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही देखिए, आपका रिएक्टर वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम कोई और यूनिट बनकर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए इतना आप देखिए, याद करिए और नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।